हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू ईयर्स ओ सो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस आई विश योर सारी जो um, विशेज आपने इस साल ली हैं वो आपकी कंप्लीट uh, हों और आपका जो सपना है जाने का गवर्नमेंट कॉलेज में बी एस सी नर्सिंग के थ्रू बी एस सी नर्सिंग करने का तो आप सभी का फुलफिल हो सो so, चलो तो हम स्टार्ट कर ले रहे हैं आज आपको मुझे वही पता है आपको हेजेक डे फाइव है और इसमें आपकी वही सीक्वेंस होगा पी सी बी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो और आपकी थर्टी थर्टी क्वेश्चनस होंगे इसमें एंड देन आपका जो भी चीज़ है आपको देखो लास्ट तक देखा करो वीडियो को जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो अगर एग्ज़ाम में एज ए इज क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को गलत ना लगा के आओ ठीक है सही से लगा के आओ और सॉरी बहुत डिले हो गया आई नो बट कोई ना हमें स्टार्ट कर ले रहे हैं ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं जिसमें हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं तो उसके क्या बोलते हैं हम कंडेंसेशन ठीक है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कंडेंसेशन ओके तो मुझे ना आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है सच ही बताऊँ मैं सोच रही थी मैं कल भी सोच रही थी कि वीडियो बनाऊँ वीडियो बनाऊँ बना। परसों भी सोच रही थी बना देती हूँ डाल देती हूँ पर बहुत डिले हो गया आपकी बात तो पर मैं कोशिश कर रही हूँ यार आपको ना छोटा छोटा चीज़ें देती रहूँ आप लोग मुझे एक चीज़ सजेस्ट करना कि मैं थेरी पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ आप लोग अगर थेरी पढ़ना चाहते हो बायोलॉजी की जो सेकेंड ईयर की है फर्स्ट ईयर की तो मैं थेरी भी पढ़ाने को तैयार हूँ और मैंने एक चैप्टर रेडी भी कर लिया है आपके लिए कौन सा है जो इकोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो हम उसको कंप्लीट करेंगे ठीक तो हम ऐसे यूनिट वाइज कंप्लीट करते जाएंगे और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगी मैं आपको तो आप बताना थेरी पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ ठीक है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड भी जो पानी होता है वो लोअर टेम्परेचर पर हाई एल्टीट्यूड पर कैसे बॉयल होने लगता है एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई पे वो कम टेम्परेचर पर कैसे बॉयल होने लगता है क्यों वॉयल होता है ये आपको बताना है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द एयर प्रेशर इज़ लेस क्योंकि एयर का प्रेशर क्या होता है वो लेस होता है इसलिए ओके दर्ड क्वेश्चन इज़ कुकिंग टेकन लॉन्गेस्ट टाइम कुकिंग जो आ, हम जो खाना बनाते हैं तो वो लॉन्ग टाइम लगता है खाना बनने में मतलब समझदार लगता है तो वो कहाँ पर लगता है तो वो आपका लगता है एट माउंट एवरेस्ट पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा खाना बनाने के समय नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्मोफ्लास्क प्रिवेंट्स हीट लॉस बाई जो थर्मोफ्लास्क होते हैं वो किस चीज़ को हीट जो हीट लॉस होता है उसमें किससे प्रिवेंट करते हैं तो इसलिए प्रिवेंट करते हैं क्योंकि आपका इसमें रेडिएशन भी होता है कंडक्शन भी होता है और कन्वेंशन कन्वेंशन भी होता है ठीक है ऑल ऑफ दी अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोसफेयर बिकॉज दे आर लो तो जो क्लाउड्स होते हैं आपके वो फ्लोट करते हैं किस पे एटमॉस्फेयर पे क्यों फ्लोट करते हैं क्योंकि उनका लो क्या होता है उनका कम क्या होता है उनका कम होता है आपका डेंसिटी डेंसिटी कम होने की वजह से जो क्लाउड्स होते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर पे फ्लोट कर रहे होते हैं ठीक है लो डेंसिटी होने की वजह से क्लाउड्स मतलब बादल और फ्लोट का मतलब तैरना या फिर बहना एटमोसफियर मतलब एटमोसफियर तो सभी को ही पता होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा देखिए नेक्स्ट वन है आपका yeah, क्या हो रहा है इसको देखिए वैन जो वाटर होता है वैन वाटर इज हीटेड फ्रॉम ज़ीरो डिग्री सेल्सियस टू टेन डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम जब हम वाटर को क्या कर रहे होते हैं हीट कर रहे होते हैं किससे जीरो डिग्री सेल्सियस से दस डिग्री सेल्सियस तक तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा डज नॉट चेंज होगा या फिर फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज़ होगा तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा वो पहले डिक्रीज़ करेगा देन इंक्रीज़ करेगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज़ द प्रिंसिपल बाई विच कूलिंग सिस्टम जो रिलेटेड होता है वो इन अ मोटर कार वर्क्स तो जो भी कूलिंग सिस्टम होता है जैसे कार होती है हमारी मोटर कार तो उसमें एक प्रिंसिपल लगता है एक मेकेनिज्म लगती है ये बोल सकते हो आप जो रेडिएटर होता है उसका कार का मोटर कार का तो वो कूलिंग का काम कर रहा होता है तो किसकी वजह से कूलिंग का काम कर रहा होता है वो आपको बताना है तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कन्वेक्शन ओनली तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीटर हीट तो इनमें से कौन सा चीज़ है जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का हीट का मतलब कंडक्ट का मतलब होता है लेना हीट को एब्जॉर्ब करना तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वो है आपका सिल्वर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन थर्टी सिक्स तो सॉरी वन थर्टी सिक्स कह रही हूँ <laughs> पता नहीं कहाँ ही को ही हूँ तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी रेडिएशन क्वेश्चन है आपका क्लियर नाइट आर क्लाउडर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ तो जो आपकी क्लियर नाइट होती हैं वो काफ़ी कोल्डर होती हैं कोल्डर है, है यहाँ पर क्या बोल रही हूँ मैं कोल्डर होती हैं और जो क्लाउडली नाइट्स होती हैं बिकॉज ऑफ तो वो इस, इसलिए होते हैं वो क्योंकि आपका रेडिएशन हो रहा होता है उसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगेंस्ट थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज अ गैस तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी एक्सपेंड्स मोर देन अ लिक्विड तो इसका जो करेक्ट क्वेश्चन है वो देख लो आप देखिए यहाँ पे जो बेटा है वो क्या है आपका ए अ गैस है ठीक है ए गैस अ गैस थर्मोमीटर ओके याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच लॉ ऑफ कूलिंग होल्ड्स फॉर रियली लार्ज टेम्परेचर डिफरेंसेस तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ठीक है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज ऑफ तो इसका आपको आंसर करना है या आप आंसर मुझे बताएंगे ट्वेल्व और स्लैश करके जो भी आपका आंसर हो वो मुझे बताना फिर आपका क्वेश्चन है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर आपको बताना है तो कंडक्टर कौन सा होगा इनमें से अगर देखो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें अलग आपके ऑप्शन थे और जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें अलग ऑप्शन है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्टीन बोल रहे हैं वाइट क्लॉथ्स आर कूलर देन ब्लैक वन बिकॉज दे तो जो आपके वाइट क्लॉथ्स होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं ब्लैक वन के कंपैरिजन में तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी रिफ्लेक्टेड ऑल द लाइट दैट रीच दैन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसे आपने गर्मियों में देखा होगा गर्मियों में हम आ, बोलते हैं सभी लोग कि लाइट कलर आपको पहनने चाहिए देन उसी के अपोजिट आप सर्दियों में आप को बोलते हैं लोग कि डार्क कलर आप पहने तो आप सर्दियों में क्या है आप जितना भी आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ़ द कपड़े आपके ब्लैक में मिलेंगे या मतलब डार्क शेड में मिलेंगे तो यही रीज़न होता है ठीक है क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते हैं और हीट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाटर इज़ यूज इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज तो इसमें क्या होता है ये इसलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट होती है इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज़ तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपको बताना है तो वो होता है हाइग्रोमीटर उससे हम ह्यूमिडिटी को मेजर कर रहे होते हैं ह्यूमिडिटी का मतलब है जैसे मॉइस्चर होता है ना अपने एटमोस्फेयर में तो मॉइस्चर को मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अन हीट द अर्थ थ्रू तो जो सन होता है हीट करता है अर्थ को किसके थ्रू किसके थ्रू करता है तो वो करता है आपका रेडिएशन के थ्रू आपको पता है रेडिएशन निकलता है सन से तभी हमारी अर्थ हीट होती है नेक्स्ट nice क्वेश्चन है आपका एट अपर एटमोसफियर एंड एस्ट्रोनॉट फील्स अपर एटमोसफियर पे जो एस्ट्रोनोट होते हैं वो क्या फील करते हैं तो वो फील करते हैं आपका स्लाइटली कूल एग्जैक्टली कूल सॉरी एक्सट्रीमली कूल एक्सट्रीमली कूल क्या फिर देखिए बैरोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग तो एक जो बैरोमीटर होता है वो किस लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो होता है आपका एटमोसफेयर प्रेशर को नापने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द लॉ इन फिजिक्स विच स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इसमें आपको लॉज ले रखे हैं तो उसको लॉज को पहचानना है और डेफिनेशन है वो बतानी है आपको तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी आप अवट्रोलो तो इसमें ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ठीक है हिंदी अनुवाद देख लीजिए इसका नेम द लॉ इन फिजिक्स उस उस नियम का फिजिक्स में आप नाम बताएं कि इसमें क्या होता है स्टेट करता है दैट इक्वल वॉल्यूम होगा ऑफ ऑल गैसेस सभी गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा बराबर होगा अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर भी आपका सेम रहेगा और प्रेशर भी आपका सेम रहेगा कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जहाँ पे भी आ जाए तो हम एबोकड्रो नंबर की बात कर रहे होते हैं ठीक है जहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको मिल जाए तो हम लॉ की हम बात कर रहे होते हैं ठीक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी आ जाए ट्वेंटी वन आपका ऑप्शन है द एनर्जी दैट कैन हार्डनेस हीट स्टोर्ड ब्लू द अर्थ सरफेस इज नोन एज तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी जियोथर्मल एनर्जी उसको बोलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज आर रिलेटेड बाई जो टू स्पेसिफिक हीटेज होती हैं आपकी वो किससे रिलेटेड होती हैं वो आपको बतानी है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी पी माइनस सी विज कल टू आर जी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइस इज पैक्ड इन शॉडस्ट बिकॉज तो जो आइस होती है वो किस में पैक होती है शॉडस्ट में तो क्यों बिकॉज पैक होती है क्योंकि उसका शॉड डस्ट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द लोएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बाई तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा हम लोवेस्ट टेम्परेचर कर सकते हैं रिकॉर्डिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज़ नोन एज आप पैरोीटर इनमें से कौन सा थर्मोमीटर जैसे हम पैरोीटर बोलते हैं तो वो होता है आपका रेडिएशन थर्मोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट ने आपका द प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ सेवन एम एम कॉलम ऑफ मडकरी एट जीरो डिग्री सेल्सियस इज़ नोन एज तो वो क्या कहलाता है वो आपका कहलाता है वन वार इक्वल्स टू हो जाता है सेवन सिक्सटी एम एम कॉलम ऑफ मरकरी एट जीरो डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी इनमें से कौन सी एक आइडियल um, को क्या बोलते हैं आदर्श काली बॉडी है जो भी है ठीक है ब्लैक बॉडी है तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका आपका पाइन होल बॉक्स आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिव क्रिस्ट क्या होती है तो डिस्टेंस जो होती है वो दो कंजिव के बीच में कितनी होती है वो होती है गामा ठीक है याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्रेशन एंड एड्रॉनिंग रियर फ्रैक्शन इन आप प्रेशर वेव इज तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका गामा बाई टू ये गामा देखो ऐसा लिखा हुआ है गामा बाई टू ठीक है इधर भी गामा गामा बाई टू गामा वाई फोर वाई थ्री ओके ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का बट नॉट द लीस्ट तो आपका क्वेश्चन है द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर वैन सो वन साउंड वेव पासिस थ्रू एयर आर तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी एरिया बैटिक ठीक है आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा चलिए केमिस्ट्री पर ऑन करते हैं हम इसमें थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है तो ये देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द स्टैंडर्ड एनथेलेपी इज़ नॉट जीरो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें स्टैंडर्ड जो एनथेलपी होती है वो जीरो नहीं होगी तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विट आपका सी डायमंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच हैज़ मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी मैक्सिमम होती है तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए फैट की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है ठीक है जिसमें फैट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड तो एक मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड हाइड्रोजन का तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं तो उस मिक्सचर है? को हम बोलते हैं वाटर गैस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड उसका मिक्सचर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी प्रोड्यूज गैस होती है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कोल गैस होती है इज़ अ मिक्सचर ऑफ कोल गैस किसका मिक्सचर होती है तो कोल गैस किसका मिक्सचर होती है कोल गैस मिक्सचर होती है आपका हाइड्रोजन का मीथेन का एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का नेक्स्ट क्वेश्चन जी एज इट इज़ आपको याद रखना है ठीक है ऑयल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल गैस किसका मिक्सचर होती है तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हाइड्रोजन मीथेन और इथेन और कार्बन मोनाक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू इनमें से कौन सी है जिसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑयल गैस उसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट एट अ स्पॉन्टेनियस चेंज इज वन इन विच देयर इज तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन ठीक डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Uh, जो पीपल होते हैं रिफर टू बियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉटन क्लॉथ्स आर तो कॉटन क्लॉथ कैसे होते हैं वो होते हैं आपके गुड एब्जॉर्ब ऑफ वाटर के लिए मतलब क्लॉथ आपने देखा होगा हम सभी लोग बोलते हैं कि हमें गर्मियों में कॉटन की क्लॉथ पहनना चाहिए जैसे कि पसंद आता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको ठीक है uh, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नेम कैटा कैटालाइसिस विच गिव इन तो कैटालाइसिस का नाम किसने दिया था तो वो थे आपके डिओनस में सही हो जाएगा आपका ठीक है ठीक है डी ऑप्शन सही हो जाएगा एंजाइम्स आर एंजाइम्स क्या होते हैं एंजाइम्स आपके होते हैं प्रोटीन्स ऑल एंजाइम्स प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि जो आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है इज ब्रॉड अबाउट द एक्शन ऑफ द इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ए ईस्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आई होप आप लोगों को दिख रहा हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड इन टू किस में सी टू एच फाइव ओ एच इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें एथिल एल्कोहल में ठीक है तो ओ इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगा जैमीज की प्रेजेंस में जायमीज एक, एक एंजाइम होता है जिसमें आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जो हम कन्वर्ट करा रहे होते हैं किसमें हाँ सी टू सी टू एच फाइव ओ एच में तो वो जामिज के प्रेजेंस में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए द केटाइस यूज इन द मैनुफेक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाई कॉन्टेक्ट प्रोसेस इज़ तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पी टू ओ फाइव सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द केटाइस यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स इज़ तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स होती है तो उसको क्या बोलते हैं तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका uh, निकिल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इन द दॉल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एच एन ओ थ्री द कैटलिस्ट यूज इज तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्लेटिनम नेक्स्ट क्वेश्चन वैन एन इक्वेलेंट ऑफ अ स्ट्रॉग एसिड इज एडेड टू वन इक्वेलेंट ऑफ अ अक बेस द रिजल्टिंग सोलूशन विल बी तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा एसिडिक ओके जस्ट अ मिनट का एसेडिक आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड वुड बी एक्वा सोलूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड तो उसका क्या हो जाएगा आपका एसेडिक हो जाएगा वो भी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है लॉ हैज़ गिवन बाय तो किसने दिया था ये दादा आपने मॉस लेने दिया था मॉडर्न पीरियडिक लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन इज़ नॉन एज़ फादर ऑफ पीरियडिक टेबल इनमें से कौन से हैं जो फादर ऑफ पीरियडिक टेबल हैं तो वो कौन है आपके आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और मैंने अभी टिक भी लगाया है ये गलत टिक है जो भी मैंने टिक लगाया ना ये गलत है ठीक है तो आपको सही बताना है इसका टिक कि सही क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन मॉडर्न पीरियड टेबल द नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने होते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स भी आपको बताने हैं फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी और फिफ्टी वन का आपको आंसर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन मॉडर्न पीरियड टेबल द नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं ये भी आपको बताना है ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉट इज द तीन क्वेश्चन होगा ठीक है फिफ्टी वन फिफ्टी टू और फिफ्टी 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 वन फिफ्टी टू तीन क्वेश्चन होगा आपके पास में वाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन डी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसका एटॉमिक वेट के मामले में ये बराबर होते हैं सेम होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द जो टेंथ होती है आपकी एलिमेंट इन द न्यूलैंड पीरियडिक क्लासीफिकेशन रिजेंबल्स द तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड थर्ड पीरियड होता है उसमें ठीक है दो टेंथ आपका टेंथ आप दिखा आपने दिखाई होगा यार पढ़ा होगा आपने डी ब्लॉक में आ जाते हैं हम फिर देखिए नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल इज तो सेकेंड पीरियड में आपको नंबर ऑफ क्या बताते हैं एलिमेंट बताने हैं तो आपके कितने एलिमेंट होते हैं उसमें द फॉलोविंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट क्लासिफिकेशन तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थोरियम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मेंबर ऑफ द डोबेरिन ट्राइड दैट ऑल्सो फीचर्स लिथियम एंड सोडियम तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या आपको इन मेंडली पीरियडिक टेबल द पीरियड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर कंसिडर्ड पीरियडिक फंक्शन ऑफ दर तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन एटॉमिक मास हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ आर एलिमेंट अरेंज इन अ मॉडर्न पीरियड टेबल तो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से मॉडर्न पीरियडिक में अरेंज हैं तो वो आपको बताने हैं तो वो अरेंज हैं आपके इन द इंक्रीजिंग ऑफ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एयर एटोमिक नंबर के हिसाब से वो अरेंज है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एलिमेंट्स इन पीरियडिक इन पीरियड हैव सेम तो जो एलिमेंट होते हैं पीरियड में वो क्या सेम रखते हैं वो आपको बता टी फाइव का जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका एट ये ऑप्शन आपका सही है और फिफ्टी सिक्स का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थोरियम तो ये तो मैंने आपसे आपसे आपको जो ऑप्शन है वो सही बताए हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉरी नेक्स्ट सब्जेक्ट सो ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड तो ये आपका ऑप्शन है वो बतानी है फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी होती है जो इंग्लैंड में पाई जाती हैं तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या बताइए मुझे जल्दी से थोड़ा सा आप गैस करेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा आपको तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा की वी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लार्जेस्ट मैमल इज लार्जेस्ट मैमल क्या है वो आपको बताना है तो वो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन ब्लू व्हील नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल हैव हैज थ्री चैम्बर हार्ट इनमें से कौन सी क्लासेस हैं जिसमें थ्री चैम्बर हार्ट होता है तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका एम्फीबिया एंड रेप्टीलिया के थ्री चम्बर हार्ट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सेप्ट आपका क्रोकोडाइल वन सॉरी इन इन विच फाइलम ऑफ एनिमल्स रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स कॉल्ड टिनीडिया तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका डी मोलस का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बार ब्लडेड एनिमल इनमें से कौन सा है जो बाम ब्लड एनिमल है वो आपका बैट है बैट आपका बाम ब्लडेड एनिमल है तो ये आपका ना एज एट इज तो नहीं पूछा है उसमें ट्वेंटी ट्वेंटी टू के एग्जाम में लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था सिमिलर पी वाई की वही आपका ठीक है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जैसे उन्होंने मेमल पूछा था मेमल क्या है तो उसका उसमें बैट था उसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किडनी जो आपकी वो होती हैं सिकिट करती हैं किसको एंजाइम को Uh, तो एंजाइम क्या है आपका वो एक प्लाज्मा चेंज करता है प्लाज्मा प्रोटीन एनजी एनजीओटेंसिनजन को एनजियोटेंसिन में तो वो एंजाइम क्या होता है उसको नाम बताना तो वो रेन होता है आपका रेनिन एक ऐसा वो है क्या है एंजाइम है जो एनजियोटेंसिन को एनजियो टेंसिन में कन्वर्ट करता है ठीक है तो ये किडनी में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरिन ऑफ मैमल कंटेन एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट तो यूरिन ऑफ मैमल कंटेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट तो मैमल का जो यूरिन होता है वो क्या एक्सरे करता है वो सी एक्सरे करता है इसमें देखो डायरेक्टली क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मैमल में तो मैमल में आपको पता है कि हम यूरिया ही सीक्रे कर रहे होते हैं यूरिन के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्योमोन्स जो होते हैं इस फाउंड इन इन्फ्योमेंस कहाँ पर पाए जाते हैं तो वो इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जनरली इंसेक्ट्स रेस्पायर थ्रू तो जनरली जो इंसेक्ट होते हैं वो किसके थ्रू गर्ल्स के थ्रू आपके वो किसके थ्रू रेस्पायर कर रहे होते हैं तो वो होते हैं आपके स्पायरिकल के थ्रू वो क्या करते हैं वो कर रहे होते हैं रेस्पायर कर रहे होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द नॉट एन इंसेक्ट इनमें से कौन सा है जो इंसेक्ट नहीं है तो वो ऑप्शन ऑप्शन है आपका स्पाइडर एक इंसेक्ट नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट इज नियरेस्ट टू मॉडर्न मैन इनमें से कौन सा प्राइमेट है जो नियरेस्ट टू द मॉडर्न मैन के तो वो है आपका गोयला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो मैमोथ होता है इज़ एनस्टर ऑफ मेमोथ किसका एनसिस्टर है तो वो एलिमेंट का एलिफेंट का एनसिस्टर है डायनासोर वॉल्स डायनासोर क्या थे तो डायनासोर थे आपके रेप्टाइल्स हु बिकम एक्सटिट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिश ऑफ द दिन आर नोन एज कॉम जेली इनमें से कौन सी चीज़ है जो जेली से जानी जाती है तो वो आपके प्लेम्बो होते हैं डीनाफोरा डीनाफोरा को हम कॉमजैली के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसे आपके प्लेटी हेलमेंटीज होते हैं तो उनमें आते हैं आपके क्या था है लेवर हुक वगैरह आते हैं आर्थोपोर्ट में आपके इंसेक्ट्स आ जाते जा 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 हैं और आर्थोपोड आपका लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का और मॉलस्क आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था मिनी दो जो मारायन एनिमल होते हैं कॉल्ड डंग डंगोंग गंग बोल सकते हैं विच इज़ बनडरेबल टू एक्सटेंड इज एन तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका मैमल मैमल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका के बोल रहे हैं द रिलीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोविंग इन टू वेल्स और पॉन्ट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग मॉस्किटोज तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो हेल्प कर रही होती है हमें कंट्रोलिंग मॉस्किटोज में जिसमें हम हम जिसको रिलीज करते हैं वो आपको बताना है तो हम वेल्स में भी जो आपके कुएँ होते हैं उसमें भी हम उनको रिलीज़ कर देते हैं और आपकी जो पॉन्ड होती हैं जो तालाब होते हैं उनमें भी जिससे कि मॉस्किटो तो कंट्रोल रहते हैं तो आपको उसका नेम बताना है तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको याद रखना है और आपका इसका आंसर देना है इसको ठीक है इसका आंसर आपको देना है मैं नहीं दूंगी इसका आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन द कॉन्टेक्सट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ इंडियन वाइल्ड लाइफ में क्या होता है द फ्लाइंग फॉक्स इज़ तो इंडियन वाइल्ड लाइफ में एक वही चीज़ है बैट जो आपकी फ्लाइंग फॉक्स होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अमीबा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इनमें से कौन सा किंगडम है जिसमें से अमीबा बिलोंग करता है वो है प्रोटिस्ता प्रोटिस्ता में आपके अमीबा प्रेजेंट होते हैं और प्रोटिस्ता किस में आता है जैसे अगर किंग आपने पढ़े होंगे मोनेरा प्रोटिस्ता तो प्रोटिस्ता में से ही है जो आपका अमीबा आता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ, एक्वस जो होता है आपका तो वो किस से रिलेटेड है साइंटिफिक नेम बताना है उस एनिमल का तो वो एक्वस क्या क्या होता है एक्वस एक्वस आपका हॉर्स का नाम होता है साइंटिफिक नेम एक्वस एक्वस बोलते हैं हॉर्स को तो हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है एक्वस स्पेलिंग भी एज इट इज याद रखनी है आपको एक्वस एक्वस बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोल रहे हैं आपसे डायनासोर वाज डायनासोर किस युग के हैं वो आपको बताने हैं तो वो होते हैं मेजो जोइक रेप्टाइल क्रेपटाइल हैं आपके डायनासोर थे विच ऑफ़ द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ इनवर्डिवेट एनिमल इनमें से कौन सा ग्रुप है जो इन्वर्टिवेट एनिमल का है तो वो है आपका आर्थोप्रोट आपके क्या हैं आर्थोप्रोट आपके क्या हैं इनवर्डिवेट है? एनिमल्स हैं ये सारे वर्डिब्रेट हैं आपके मैं लिया पाइसिस मतलब मछलियाँ और रेपटाइल मतलब वही आपके रेप्टाइल्स हो गए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम विच विद रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ स्पीसीज़ तो नंबर के रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा किंगडम है एनिमल किंगडम है जो लार्जेस्ट फाइलम में आता है तो मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट फाइलम है जो एनिमल किंगडम में वो है आपका आरतोपोड़ा और सेकेंड लार्जेस्ट जो फाइलम है एनिमल किंगडम में वो है आपका मोलस्का आपको ऐसे याद रखना है तो ये क्या हो जाएगा आर्तोपोड़ा हो जाएगा और आरतोपुड़ा में आपके सारे इंसेक्ट्स आते हैं ऑल इंसेक्ट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमंग द फॉलोइंग विच वन ले एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए किंडा आप जी पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता अमंग द फॉलोविंग विच वन इज़ नॉट एन ऐप इनमें से कौन सा चीज़ है जो ऐप नहीं है तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा लैंगूर वॉट इज कॉपर स्मिथ बारबेट तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका अ बर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ प्रोटीन में से कौन सी चीज़ है प्रोटीन नहीं है तो वो है आपका कॉटन आपका प्रोटीन नहीं होता है ठीक है आपको याद रखना है हेयर में प्रोटीन होता है कैटिन प्रोटीन आपको पता है स्पायर सिल्क में भी होगा हुक में भी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन इनमें से कौन सा है फीमेल सेक्स हार्मोन वो आपको बताना है तो ये क्वेश्चन भी आप मुझे आंसर करेंगे इसका मैं आंसर नहीं दूंगी ठीक है ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है आप ना सारे क्वेश्चन को लिख लेना कौन सा कौन सा क्वेश्चन है जिसके मुझे आंसर देते हैं नोटबुक पर नोट कर लेना और उनके सभी के जो आंसर्स हैं वो मुझे आप कमेंट में आप मुझे कमेंट में कमेंट करेंगे कि मैम इनके क्वेश्चन के आंसर ये ये हैं और आपको बताने हैं ठीक है मक्का नहीं देनी है वरना आप Uh, आप अभी सीरियस नहीं ले रहे हो तो समझो फिर आप एग्ज़ाम को कैसे सीरियस लोगे ठीक है तो आपको सीरियस लेना है आप कहीं भी हों आपको नोट करना है ये क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन ये है और इसका आंसर ये होगा मैं सभी के चेक करूँगी ठीक है और रिप्लाइज भी दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका ट्वेंट्वेंटी थ्री में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा एड्रेलिन जो एड्रेलिन आपका जो वो होता है ना किडनीज़ होती हैं जो आपकी उसके ऊपर होते हैं एडिनल कॉटेक्स बोलते हैं एडिनल ग्लैंड बोलते हैं उनको ठीक तो ये भी आपका ऑप्शन क्वेश्चन है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का पी वाई देख लेना ऐसे क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सेकेंड लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर में से कौन सी चीज़ें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है तो बोलते एडिनल आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द पेयर्स इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में कौन सी ग्लैंड है जो पेयर में प्रेजेंट होती है तो वो आपका एडिनल ग्लैंड होती है जो पेयर में प्रेजेंट होती है जैसे आपकी दो किडनी होती है ठीक है मान के तो चलो यहाँ पे मैं बनाती हूँ ये आपकी दो किडनी है इधर भी बना देती हूँ यार ऐसे कैसे बनाओ आपकी दो किडनी होती हैं ठीक है उनके ऊपर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती हैं ये दोनों पेयर में होती हैं तो ये आपकी क्या है एडिनल लैंड एडिनल और ये आपकी क्या किद्नीज है किडनीज है किडनीज ठीक है तो आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा या सेशन अच्छा लगा होगा अच्छा अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करें मैम बहुत अच्छा है या फिर थैंक्स बोलें जो भी है आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे डेफिनेटली बताएँ ठीक है और आप मुझे चैप्टर वाइज का जरूर बताना कि मैं चैप्टर कराऊँगा करा या ना कराऊँगा आपको ठीक है बाय टेक केयर थैंक यू सो मच वॉचिंग बाय टेक केयर